गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और स्माइली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में कुशल मंगल होंगे। टाइम हो गया 5:30 और झाड़ू पोछा हो चुका है, नींबू पानी पी लिया, क्योंकि चाय सुबह सुबह की मैंने बंद कर दी है, क्योंकि भाई मेरे को एक दिन लगा कि मुझे ना एकदम से एसिडिटी होगी चाय पीते, इसीलिए। और आज मन्नत की चॉइस है चीज़ सैंडविच की, तो उसके लिए बनेगी चीज़ सैंडविच। और फटाफट से चीज़ सैंडविच की मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ, मैंने तभी सो रही है, क्योंकि फिर मेरा भी टाइम साथ के साथ हो जाता है, इसलिए। तो मैं एक बार सैंडविचेस की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मेरे तो ये पनीर, मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रख देती हूँ। और अमूल मलाई पनीर है, बाकी तो मैं तो आनंद का ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि आनंद का भाई मैंने जो यूज़ करा पर्सनली, आनंद का बहुत अच्छा, बट पर मन्नत को भेज दिया मैंने पनीर लेने के लिए, तो ये मैडम जी अमूल का उठा लें, क्योंकि बच्चों को तो अमूल की चीज़ें पसंद होती, तो उसको लगा कि अमूल का तो सबसे बेस्ट होता है। बट नहीं, कहीं ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें अमूल की अच्छी हों, बट मुझे पर्सनली आनंदा का ही बहुत पसंद है, इसीलिए चलो आज अमूल का बना देते हैं। ये फिलिंग रेडी कर दी है भाई मैंने पनीर सैंडविचेस की, जिसमें पनीर है, प्याज है, टमाटो केचप है, मेयोनी है, और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ऑर्गेनिक वगैरह, ओरिगैनो वगैरह ख़त्म हो रखे थे, सॉरी। और ये लिए हैं ब्राउन ब्रेड ही यूज़ होते हैं, हार्वेस्ट वाले या फिर दूसरे, क्योंकि दूसरे कोई और पसंद ही नहीं है इसके अलावा। तो ये फीलिंग रेडी हो गई, इधर हो गया तवा गरम, तो फटाफट से बना देती हूँ सैंडविचेस। लो भैया डाल दिए सीखने के लिए, वैसे तो मेरे पास टोस्टर भी है, बट मैं लेजी बहुत हूँ, इसीलिए ना मैं टोस्टर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं उसके उसको निकाल लूँगी, फिर लगाऊंगी, फिर वो गर्म होगा, फिर से चले तवा फटाफट से गर्म हो जाएगा। कभी यूज करती हूँ टोस्टर। और ये देखो एक साइड से हो गए मेरे ब्रेड जो ब्राउन से, और देखो थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के हाथ से प्रेस भी कर देंगे, क्योंकि प्रेस से जो अंदर वाली फीलिंग है ना, वो थोड़ी सी अच्छी सी हो जाएगी, इसलिए। ये हो गया सैंडविचेस रेडी, अब इनको कर दूंगी कट और ट्रायंगल शेप में पैक कर दूंगी। बच्चों का ब्रेकफास्ट पैक हो चुका है, ये सोच रहे हो आप इतने लंच बॉक्स किसके हैं, तो इसमें से एक जाएगा वंदना के घर आरओ के लिए, और मन्नत के और उसके फ्रेंड्स के। और ये इधर मैंने अपने लिए बनाए हैं पनीर के परांठे स्कूल में ले जाने के लिए, ये मेरा लंच है। और मैंने इसमें पालक मेथी डाली जो कि हमारे किचन गार्डन से आई है, जो कि आप लोगों को पता ही है कि मेथी तो अभी तक चली हुई है, और पालक जो नहीं लगाई थी वो धीरे धीरे, तो मैं बना लेती फटाफट से अपना लंच, और दिनों से 5 मिनट लेट हूँ, इसलिए आपसे कम बात कर पाऊँगी, तो थोड़ी देर। ये हो गया मेरा लंच पैक, और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना कर लेके फटाफट नहाने की तैयारी। टाइम गया वो मेरा, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने पहना ब्लैक कलर का सूट, बिकॉज ऑफ टुडे सैटरडे, और सैटरडे को मैं ब्लैक ही डालती हूँ, थर्सडे को येलो डालती हूँ, तो ये डाला और नीचे डाली है मैंने भैया जुजुल मेरी जुतियाँ। और अभी निकल रही हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है, और आगे का व्लॉग करेगी मनी कंटिन्यू, तो मिलते हैं स्कूल से आने के बाद। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक, मम्मी वेलकम टू पटियाला। अभी मैं जा रही हूँ स्कूल, एंड फाइनली एग्जाम ऑन टाइम, अब 7:16 या 7:20 का टाइम है, और वैसे 7:30 से मतलब जाते 7:20 के टाइम पर पिकअप पॉइंट है, और वैसे पता ही चल गया होगा, वैसे तो काफ़ी स्कूलों में टाइम चेंज हो गया है, गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गया, हमारा टाइम हो गया 7:30 to 12:00, तो आज तो 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा कुछ लेके भी नहीं जाना था, बैग भी छुट्टी है। और आज मम्मी ने मेरे पनीर सैंडविच बनाया, इसके अंदर मैंने चॉकलेट पूरी तो ले नहीं सकती थी, बड़े बच्चे तोड़ के इसके अंदर रैप करके लिए, एंड बस अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, एंड आई एम नॉट रेडी, तो मैं आप लोगों को स्कूल से आने के बाद मिलती हूँ। सो गाइज बैक फ्रॉम द स्कूल, एंड ज़्यादा थकी तो नहीं हुई हूँ, हाँ बट नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, तो अभी टाइम हो रहा है 12:12 एज आई टोल्ड यू गाइज इन द मॉर्निंग की हमारी छुट्टी 12 बजे हुई आज से, तो अभी मैं कपड़े वपड़े चेंज करके मस्त अपने कंफर्टेबल जोन में आऊँगी, सो मेरे को ज़्यादा भूख तो लग रही है, स्कूल में मैंने खा लिया था, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ एक रोटी तो मेरे को खा लेनी चाहिए, मेरे लिए ठीक रहेगा, जो मैंने जो मम्मी ने मेरे लिए सैंडविच दिए थे वो मेरे अलावा सब ने खाए, लेकिन मैंने मैंने एक सैंडविच का पीस खाया हाफ ऑलमोस्ट,
एक भी कह सकते हैं। और फिर मैंने लाइक पास्ता खा लिया था, मैगी खा ली थी और पोटैटो सैंडविच खा ली थी और पनीर सैंडविच जो मम्मी ने दी थी। मतलब मैंने सब थोड़ा थोड़ा खाया, ऐसे नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा खाया था, ऐसा कुछ हो नहीं। तो अभी जस्ट मैं कपड़े बदलती हूँ, फिर मैं एक रोटी खाती हूँ आपको, उसके बाद मैं आ गई थी स्कूल से। नानी रोटी बना रही है, सब्जी आलू मटर, साथ में पापा ने खीरे प्याज काट लिए, ये लस्सी है, पापा ने बूंदी वाली ली है, मेरे गलती से 2-3 बूंदी गिर गई थी तो वो है। तो फिर मैं अभी खाना खाने के बाद में आई एम बैक टॉम। और ये मन्नत इधर सो रही है, उनकी जल्दी हो जाती छुट्टी और मैं अभी आई हूँ बस। फिर मैं अभी रेस्ट करूँगी भाई, क्योंकि बहुत थकी हूँ सच में, बहुत ज़्यादा। कर रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट, चला गई इससे मन्नत के रूम में, क्योंकि मन्नत धूल में सो रही है, ऐसे चला गए। उनका शुक्र है इस छोरे का भी, मिलती हूँ मैं उसके बाद। मन्नत के अल्फा और मैं अब उठी हूँ, तब आई थी स्कूल से, अब मैं सब उठी हूँ। अब बनाऊँगी मैं मैंगो शेक, क्योंकि स्कूल से आते ही पीने का मन था एक बार तो, बट मन भी था भी और नहीं भी, दोनों काम रखे थे इसीलिए। तो अभी बनाऊंगी मैंगो शेक, मैंने मैंगो फ्रीज़र में लगा दिया था तो अभी बना लेती हूँ, इसको पीना हो कम, जिसको नहीं पीना। ओके क्योंकि मैं भी पढ़ूंगा अंदर, मम्मी जो है वो सो रही है, देखते हैं पापा। तो बस अभी मैं थोड़ा सा रिटर्न काम करूँगी, फिर देखती हूँ बाकी शहर में जाना है, तो फिर मैं बनाऊंगी। तो मैं खा रहा हूँ अभी यही वाला सैंडविच, साथ में मेरी बच्ची स्प्राइट, और मैं देख रही हूँ टी वी वहाँ पर। तो बस अभी स्प्राइट खा के कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, तो उसके बाद मिलते हैं। ये हो गया मेरा यम्मी सा मैंगो शेक रेडी, खुशी आ गई और खुशी ने लिया हैप्पी। हस्बैंड अभी बाहर लग रहे हैं पानी पूनी वो करने इधर उधर, क्योंकि गर्मी है तो ठंडक हो जाएगी इसलिए। और मैं पी रही हूँ क्योंकि मुझे लगी भूख, स्कूल से आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया, वो आएंगे कर लिया। हम इतने दिन हो गए सोसाइटी में, हमने नहीं होने मिला था हमारी सोसाइटी में। अनार के भी पेड़ हैं देखो, हैं तो लग तो रहे कच्चे में, मैंने तो आज देखे आई हूँ। और आज फर्स्ट टाइम मैं इस पार्क में उतरी हूँ, ना तो उसके चारों तरफ घूमने जाया करती, पर चौखे अनार लग रहे हैं ये देखो। मम्मी घूम लग रही है वह खुशी रही, हेलो खुशी, एक रील बनवाऊंगी। देख 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 और ये आ गई है मन्नत। मन्नत एक काम है तने, खुशी तो तेरा स्कूटी सिखानी है। ओ बाबा बख्शता, मैं चला लेती हूँ अकेली, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये अभी गिरेगी मैं भी गिरूंगी, स्कूटी इतनी भारी है, मैं पूछो मुड़वाती भी पापा से स्कूटी। करी खड़ा करी चल तो मुकर आड़ लादे गाड़ी के पाछे घूम के आप आड़ बोल नहीं नहीं मैं वाला मैं पानी पूरी पी के आ जाऊं चाबी हमने तो के चक्कर मारना बता। हां मैं तो गर्मी में ना हूं फिर टाम मार लियो यार ऊपर, ठीक है तू चल कर पानी पूरी हम चक्कर मार का। हां फिर मैं तू मार लेंगे नहीं क्या कह रही थी चल महाराज। आंटी ने खिलाई हो गया आंटी, प्लेट भी थी आंटी ने गैलेक्सी वाली, मन्नत पड़ रही है मेरी बात कर, डिनर की तैयारी, मन्नत पुरानी फोटोज दिखा रही है अपनी, मैंने कहा लियो हैं, मैंने कहा बहुत प्यारी थी बहुत, मतलब गोलू मोलू सी नहीं थी मन्नत है, मैं कहा बहुत ही प्यारी थी पहले, कहती अब नहीं, मेरा नाम नहीं। चल बेटा मैट बिछा ले, लिया अभी बना लेती हूँ खाना। खाने में क्या है, प्याज हरी मिर्च और ये मेसी रोटी जो कि सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाती है। अभी जा रहे जोत लगाने पीपल के, पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ मैं भूतिया भी तो बताते हैं ऐसा कुछ नहीं होता,
पीपल के पेड़ में सबसे ज्यादा वो ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़। चलो गाइस व्हाटएवर, मिलते हैं बाद में। तो कल मैं उर्दू बोल रही थी, कल मैंने सेम बात बोली, किसी ने गौर नहीं करा। लाइट में जला कर देना। हम यहाँ बैठे हैं पार्क में और यहाँ देखो पानी के फुहारे चल रहे हैं और यहाँ आनंद ले रहे हैं हम सब। यहाँ जोत लगाने आए थे और हमने कहा चलो भाई वहाँ पे बैठेंगे और पानी का आनंद लेके आएंगे। और वीडियो को देखियो भाई, शेयर करियो और लाइक का बटन दबाइयो, कोई गलती होता हमें मैसेज करके बताइए। मम्मी का क्या तो गाइज अभी 11 बजने वाले हैं और मैंने मेरे लिए बनाई है, क्या बनाई है, कोल्ड कोल्ड कॉफी। और आज तो बहुत ठंडी ठंडी बनाई यार, मम्मी को भी टेस्ट करवाई, पूरा जार भरा होता। कैसी थी आज? बहुत स्वाद है। पापा यहाँ पे सो चुके, आज हमने क्या करा, हमने ना होल में गद्दा डाल लिया, मम्मी पापा सो जाएंगे और मैं सुपर वाले बेड पे, मम्मी थोड़ा सा अपना स्कूल का काम कर दिए। तो ऐसे इकट्ठे सोने में मजा आता है क्योंकि कल की छुट्टी है ना, तो पता है इतना वो नहीं होगा, पर जब जल्दी जाना तो ऐसे फिर हो नहीं पाता है। देखियो ये देखो गाइस, दिखाना, ये अपने छोटे छोटे बच्चों का काम दे दिए थे उस वजह से, क्योंकि वीकेंड है तो कल फिर से हमें वही अटल पार्क में जाना है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ टीवी, तो मैं मिलती हूँ।